1963 रुपये फिर भी होना चाहिए, बच रहा है ना। इस लाहू जी के पास है, उन्हीं को हम दिए थे, ये अपने पास रखिए, चलिए सामान लीजिए। चाहू जी को बुला लीजिए, बुला लीजिए ना, चाहू जी को बुला लिया, क्लियर कर देते हैं अभी। नहीं नहीं देखियो की से चाची ना, हम इनका कहलिए ना विकास होकर पहले चाचो कतो रहें बिशोरी होकर क्यों कतो रहे, किस दिक्कत नहीं छे, 10 आदमी के हिसाब में महीना में एक दिन एक घंटा, 15,000 के हिसाब से 2 मिनट में भेज देते। आ जे नहीं दे जानी हमको तो फोन क्या कर भेज जानी, बाकी महीना भर अपने हिसाब लिखे रहते, लेकिन अब नहीं अब हिसाब अब है कि रहते हैं शंका किया हो 15,000 का पैसा चल जाए कतो मेंटेनेंस में मोर कखनो अहाँ ट्रांसफार्मर में कखनो अहाँ अहाँ की कर लीवर बनेलिए उमरका पैसा एम्हर घुस जाए। ये हॉटस्पॉट से हर महीना अगर 10 तारीख तक अहाँ बैठ से क्लियर कर देते हिसाब से 15,000 के हिसाबे करे तेरे हिसाब में गड़बड़ कतो है। एक बार तुमको चेक दिए थे नहीं? हाँ 44 रुपया दिए थे, 44 रुपया का चेक दिए थे। हाँ 44 रुपया तो एक्स्ट्रा हो गया बैंक से आया, 44 रुपया मेरा 4,000 रुपया बकाया था, बकाया था। हाँ मेरा 4,000 रुपये पेमेंट बकाया था। अच्छा हाँ तो वही चेक से निकाल लिया। विकास जी को बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए साहब है यहाँ पे अपनी क्लियर है, यहाँ लिखिए ना स्पष्ट लिखतम में हिसाब सब मिल जाता है, गार्ड 9,000 पेड है अपनी तक का कोई दिक्कत नहीं है, गार्ड उसका सब पे है, वाटर का 2500 पेड है, आप अभी लिफ्ट मेंटेनेंस इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लिफ्ट मेंटेनेंस नहीं दिलाया है, नहीं दिलाया है लिफ्ट मेंटेनेंस पे हम नहीं लिखते हैं ना दू जाओ। ये तो डीजल आया था पिछले महीने 1,000 नहीं, वो डीजल का पैसा जो है ना बैटरी खरीदने में लगा है, जो भी है मेरा कहने का मतलब इस 15,000 का हिसाब तो यहाँ पूरा ही आपका 9,000-11,500 इसमें पूरा रहा है, और क्या खर्चा यहाँ लिख दीजिए, बात समझ रहे हैं ना, तुम तो पढ़ा लिखा आदमी जी, इस 15,000 का हिसाब चाहिए पूरा, और इस साइड में इस 15 के अलावा जो तुम बैंक से लाया या किसी से और लाया वो हिसाब यहाँ लिख दो, कब का 1 अप्रैल से 31 तारीख तक मे का यहाँ लिखो, उससे क्या होगा ना, अभी नहीं 6 साल बाद भी हिसाब खोजोगे तुरंत मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है क्योंकि फंड में पैसा नहीं है, हम ही पैसा नहीं दिए, कोई और देगा, इसका पैसा उधर उसका पैसा उधर हिसाब नहीं होगा। अब जैसे गार्ड का अभी उसको बुलाओ, गार्ड तुम्हारा क्लियर कर देते हैं कि वाटर का क्लियर है ना, उसके पास पैसा है, उसके पास हम दिए थे ना, उन्हीं को दे देकर रखिए, उसमें 1,000 का तेल तेल मेडे में दी थी ना, इस तेल के लिए हाँ साहू जी से ही लिए थे, हाँ साहू जी से ही, हाँ 1,000 का मई वाला तेल डाल दिया गया था भाई, कहते तेल का पैसा आपका घुस गया इसमें लीवर रिपेयर उसी समय में आप लाए, 1,000 का उसके अलावा 1,000 का तेल डाला गया है डीजल, नहीं प्रसाद जी डलवाए थे, उल्टा प्रसाद जी डाले थे ना, उसके पहले जनरवा में तेल थोड़ा था, तेलवा मंगवाए तुमको भेज के तब जनरल चलाया था, उसके बाद शाम को प्रसाद जी बोल रहे थे कि हम तेल डालते हैं तो शाम में रात में, हाँ लेकिन उस समय जो चला वो तो एक जगह तेल मंगाया गया था ना, घाट का है, अब जैसे तेल का है तो मतलब तेल का एक बार तेल आया है वो 7537 में, और देख लीजिए तेल का 7537 में तेल भी लिखा हुआ है, हाँ दिखाओ बिल, दिखाओ हाँ बिल में है वही देख लेते ना, चेंज लीवर 5887 रुपये, हाँ डीजल 1,000 इलेक्ट्रिशियन डीजल इसमें कहाँ 1,000 लिखा हुआ है डीजल, ठीक है 1,000 लिखा हुआ है, यही लिखे हैं। अब आपको ये जो 4 गो मेन खर्चा है जैसा गार्ड का पानी का तेल का और आपका लिफ्ट मेंटेनेंस, ये तो हर महीना लिखाएगा ना, एकदम लिखा है कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या कुछ क्या कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल चला पिछले महीना जो है अप्रैल का ज़्यादा आ गया 3,000 रुपया आ गया, तो 6,000 रुपये नहीं हम मैसेज डालते कि बिल दिक्कत करते क्लियर किए हैं।